हेलो फ्रेंड्स, टेक विद स्माइल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अगर आप अपना इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और आप अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी किसी का देखते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे कि मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूँ। जैसे आप अपना स्टोरी देखते हैं तो यहाँ पर लिख रहा है दिस सॉन्ग इज़ करेंटली अनअवेलेबल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पूरा कम्प्लीट तरीका बताऊँगा, इसको सेटिंग बताऊँगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाले में भी दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए दिस सॉन्ग इज़ करेंटली अनअवेलेबल बता रहा है। कोई भी आप देखते हैं स्टोरी तो आप में यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बस स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो वॉच करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना होम पे आ जाना है, कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना इंस्टाग्राम अपडेट कर लेना है। यहाँ पर प्ले स्टोर से आप आएंगे, यहाँ से प्ले स्टोर पर आने के बाद दोस्तों आपको अपना सर्च करना है इंस्टाग्राम। यहाँ पर लिखेंगे, लिख के सर्च करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपडेट मिलेगा देखने को। तो आप अपना यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अपडेट कर लेंगे, 100% यहाँ पर आपका अपडेट होना जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद दोस्तों आप अपना इंस्टाग्राम वाले एप्लीकेशन पे आएंगे। यहाँ से दोस्तों आपको एप्लीकेशन पे लॉन्ग प्रेस क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों ऐप इन्फो पे आपको आ जाना है। यहाँ पे जैसे दोस्तों आप ऐप इन्फो पे आ जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जितने भी परमिशन है आपको यहाँ पे देख लेना है कि सारे परमिशन आपके अलाउ हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे परमिशन आपका फोटोज़ एंड वीडियोज़ का यहाँ पे परमिशन अलाउ है। और उसके बाद से यहाँ पे नियर बाई डिवाइसेज इस तरीके का यहाँ पे अलाउ कर देंगे, जो भी परमिशन है आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। यहाँ पे फ़ोन के भी परमिशन अलाउ कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों क्लिक करने के बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कभी कभी जब आप नेट यूज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके नेट के माध्यम से कुछ बग वगैरह होते हैं, जो कि इंस्टाग्राम में जो है यहाँ पर केसेस के फाइल के रूप में आपके यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर केसेस का 170 MB दिखा रहा है, तो आपको इसको डिलीट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्लियर केस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपका केसेस का फाइल आपका डिलीट हो जाएगा, आपका जीरो राइट हो जाएगा आपको यहाँ से। उसके बाद से दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद से दोस्तों आपको अपना यहाँ पे सारा परमिशन अगर नहीं किया होगा तो अपना परमिशन एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से बैक आ जाना है। अब इसके बाद से दोस्तों आपको अपना इंस्टाग्राम फिर से दोबारा ओपन करना है। अब इसके बाद से दोस्तों बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद से दोस्तों आपको अपना इंस्टाग्राम क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद से दोस्तों आपको अपना एक बार मोबाइल रिबूट कर लेना है। अपना मोबाइल पावर ऑन करेंगे फिर ऑफ़ कर देंगे, पावर ऑफ करेंगे फिर ऑन कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों आप फिर से जब अपना सारा कुछ कर लेंगे, उसके बाद से दोस्तों आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ से दोस्तों ओपन करने के बाद से दोस्तों आप किसी का भी अब इंस्टाग्राम का जो जैसे स्टोरी देखेंगे तो आपका जो स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, मैं क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से आपका भी अब इंस्टाग्राम का स्टोरी फिक्स हो जाएगा। आप इसके बाद जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था दिस सॉन्ग इज अनअवेलेबल, वो आपका प्रॉब्लम हट जाएगा। आप इसके बाद कोई भी स्टोरी आप देखेंगे सब आपको मिलेगा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना जो प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक हमारे वीडियो को जो शेयर नहीं किया अपने दोस्तों तक तो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक